हेलो वाइस, वेलकम टू बॉलीवुड टॉप। सो वाइस, शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की आने वाली स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आने वाली स्टोरी में सुंदरलाल की एंट्री होगी। तो जैसा कि हमने अपकमिंग एपिसोड में देखा कि यहाँ पर सुंदरलाल जेठालाल के पास में कॉल करता है और सुंदरलाल जेठालाल को बताता है कि उसे जेठालाल से बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। अब गई, जब से सुंदरलाल का अपकमिंग प्रोमो आया है तब से तारक मेहता शो के ज्यादातर फैंस ने इस बात का अंदाजा लगा लिया कि हो ना हो आने वाली स्टोरी में अब दया भाभी की एंट्री होने वाली है और सुंदरलाल जेठालाल को कुछ और नहीं बल्कि दया भाभी को सरप्राइज देने वाला है, क्योंकि सुंदरलाल ने उस समय पर प्रॉमिस किया था कि आने वाले टाइम में वो दया भाभी को कुकुलदम सोसाइटी में लाने वाला है। बट गई, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, यानी कि सुंदरलाल दया भाभी को लेकर अपने साथ नहीं आया है। सुंदरलाल यहाँ पे किसी और काम से जेठालाल से मिलने के लिए आया है। वेल गाइस, काफी टाइम से इस शो के अंदर दया भाभी का जिक्र भी नहीं हुआ, बट रिसेंटली अभी जो बबीता जी की फ्रेंड है उन्होंने जेठालाल की वाइफ यानी दया भाभी के बारे में बातचीत की थी। वेल गाइस, मेक श्योर यहाँ पे जब जेठालाल सुंदरलाल से मिलेगा तो दया भाभी के बारे में बातचीत जरूर करेगा, बट इस समय पर तो दया भाभी की एंट्री इस शो के अंदर नहीं हो रही है। तो लगता है यहाँ पे तारक मेहता शो के फैंस को दया भाभी को वापस से इस शो में देखने के लिए थोड़ा सा पेशेंस और रखना पड़ेगा, एंड कुछ टाइम बाद भाभी की एंट्री तारक मेहता शो के अंदर हो जाएगी। वेल गाइस, आप बताइए आप आने वाली स्टोरी को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? इस बारे में आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बॉलीवुड टॉप को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे।